अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। जी आज हम लिस्टिंग मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। ओके सो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी आ रही। ठीक है, तो कल हमने काफी कुछ देख लिया था लिस्टिंग मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, मतलब कि व्हाट इज लिस्टिंग मॉड्यूल। ठीक है, तो इसकी जो है ना, पहले हम बैंड डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल आप इतने क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका क्या बैंड बनेगा। ठीक है, अगर आप 25 to 23 क्वेश्चन इनके दरमियान आपने सही कर लिए 23 to 25, तो आपका 6 बैंड आ जाएगा। ठीक है, तो अब यही होगा कि आप पहले से ही अपना एक माइंड सेट कर लें कि मुझे इतना जो है ना बैंड लेना है। ठीक है, तो फिर आप एवरेज निकालेंगे अगर ओवरऑल, तो आपका फिर वो स्कोर बन जाएगा। तो आप जब प्रैक्टिस भी कर लिया करें, तो अगर आपने 8 लेना है तो फिर 35 to 36 आपने जो है ना स्कोर करना होगा। और एक मजे की बात ये होती है लिस्टिंग मॉड्यूल की कि इसमें स्कोर लेना कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं होती, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर मॉड्यूल्स ये इजी होता है। एक लिसनिंग मॉड्यूल और दूसरा स्पीकिंग, ये दोनों ही आसान होते हैं, पर जो हमारे 3 टेस्ट एक ही दिन पे हो रहे हैं, तो मैं उनको अगर देखूं, तो उनकी बात करूं, तो उन तीनों के कंपैरिजन में लिसनिंग मॉड्यूल इजीएस्ट होता है। ठीक है, तो क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम है, 30 मिनट्स, जस्ट आपने फोकस करने करके जो है ना इस टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। तो आप आराम से जो है ना 8 and 8.0 या 7.5 तक आप आराम से स्कोर ले सकते हैं। ठीक है, ओके तो ये चीजें हमने कल देख ली थी। 30 मिनट्स होते हैं, टोटल 4 सेक्शन होते हैं, और ईच सेक्शन जो है वो 10 क्वेश्चन के होते हैं, मतलब 10-10 क्वेश्चन होते हैं हर सेक्शन के अंदर। सही, तो अब इस तरह से होता है कि स्टार्ट किस तरह से होता है टेस्ट। जैसे ही आपका फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्डिंग प्ले होगी, तो आपको पहले सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि अब आपका टेस्ट शुरू होने लगा है, और आपके पास जो भी, मतलब आपको लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेपर होगा, तो जिस तरह से रिकॉर्डिंग अगर शुरू में प्ले हो रही है, तो आप अगर सेक्शन 1 पे हैं, तो वो आपको बता दिया जाएगा कि नाउ टर्न इन टू सेक्शन 1, और फिर आपको एक 30 सेकेंड्स का पॉज मिलता है। 30 सेकेंड आपको मिलते हैं कि आप जो है ना, आप इन क्वेश्चंस को देख लें। ठीक है, तो आपको फिर बता दिया जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्वेश्चन है, अब इनकी रिकॉर्डिंग प्ले होने वाली है, आप इनको एक लुक जो है ना, मतलब एक दफा देख लें। ठीक है, तो ये 30 सेकेंड का जो पॉज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि इन 30 सेकेंड्स में ही आप जो है ना क्वेश्चन को जब तक समझने की कोशिश करेंगे, देख लेंगे, इंफॉर्मेशन को लोकेट करेंगे, फर्दर हम जो है ना एग्जाम्पल के थ्रू भी करेंगे, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि आपको ये 30 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट और वाइजली, मतलब यूज करने, यूटिलाइज करने। ठीक है, ओके, फिर अब क्या होता है कि जैसे ही आपका एक सेक्शन खत्म हो गया, तो फिर आपको दोबारा से बता दिया जाता है, जैसे आपको पहले कहा कि 1 to 5 क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग प्ले होगी, तो जैसे वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर दोबारा आपको कहा जाएगा कि नाउ अब जो नेक्स्ट फॉर एग्जांपल 6 to 10 तक क्वेश्चन है, उनके लिए आप नहीं, उससे पहले बल्कि एक 30 सेकेंड आपको इस तरह से मिलते हैं कि आपको कहा जाता है कि आपने आंसर्स को रीचेक कर लें। ठीक है, तो आगे मैं वो आपको बता दूंगी कि इन 30 सेकेंड्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो इनको आप इस तरह से नहीं करेंगे कि आप जो है ना अपने आंसर्स को रीचेक करेंगे, क्योंकि रीचेक करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इनको यूटिलाइज करने का बेस्ट वे ये होता है कि आप आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ने में ये वाले भी यूटिलाइज कर लें। ठीक है, तो उसके बाद इसी तरह से फिर जो है ना आगे टेस्ट होता जाता है, और आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि नाउ इस सेक्शन पे आप मूव करें, और टाइम भी आपको ड्यूरेशन सारा बता दिया जाता है कि अब इतने सेकंड्स का पॉज होगा। ठीक है, फिर इन द एंड आपको क्या होगा कि 10 मिनट्स दिए जाएंगे कि आप अपने आंसर जो है ना वो ट्रांसफर करें। ओके, तो आज हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि सेक्शंस के अंदर होता क्या है। तो जो फर्स्ट हमारे 2 सेक्शंस होते हैं, मोस्टली वो जो है एक, मतलब सोशल सिचुएशन के ऊपर, या फिर 2 बंदों के आपस में कन्वर्सेशन होती है, तो इस तरह के जो है ना फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन के अंदर चीजें होती हैं। ठीक है, तो जिस तरह से अगर मतलब आपको किसी चीज पे रिजर्वेशन करवानी है, ठीक है, एक आपको जो है ना कहीं पे जाना है, आपने एक होटल
के अंदर रूम बुक करवाना है, तो आप कॉल करेंगे और आप उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे, तो आप पूछेंगे और वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो ये कॉन्वर्जेशन होगी और ये सुन के आपको फिर वहाँ पे अपने आंसर्स को फिलअप करना होगा, ठीक है। और फिर आगे इस तरह से होगा कि अगर सेकेंड सेक्शन की मैं बात करूँ, तो इस तरह से भी हो सकता है कि पहले दो बंदों के दरमियान कॉन्वर्सेशन होगी और देन फिर जो है ना एंड वो इस तरह से करेंगे कि एक ही बंदा एंड तक फिर बोलता रहेगा, ठीक है। तो आपको फिर उसको सुन के और उसके आंसर्स जो है ना देने होंगे, ठीक हो गया। ये सारा कुछ हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देखेंगे। और थर्ड एंड फोर्थ सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें इस तरह से होता है कि वो तो जर्नल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो है ना टू सेक्शंस हो गए, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा आगे मूव करेंगे तो डिफिकल्टी लेवल भी हमारा बढ़ता जाता है, और अब हम जो है ना थर्ड एंड फोर्थ सेक्शन पे आ गए। तो थर्ड सेक्शन के अंदर आपको जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट होता है, अकेडमिक कह लें आप, ठीक है। तो इसमें इस तरह से होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो अपने किसी असाइनमेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, उसको जो है ना अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, उसके बारे में किसी से डिस्कस कर रहा है, या फिर आपका जो ट्यूटर है या कोई टीचर है आपको किसी चीज के ऊपर फीडबैक दे रहा है, ठीक है, आप अपने मतलब ग्रुपमेट के साथ आप कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें जो है ना वो थर्ड सेक्शन के अंदर यूजुअली होती हैं। और फोर्थ सेक्शन में भी इस तरह से होता है कि फिर मतलब ये मतलब 3 to 4 पर्सन की भी टॉक हो सकती है, और इसमें मोस्टली इस तरह से होता है कि आपको बताया जाता है कि जिस तरह से ना फॉर एग्जाम्पल आप किसी एजुकेशनल ट्रिप पे गए, आप फिर आपने वहाँ पे क्या क्या चीजें नोट की, या फिर आप जाने वाले हैं तो फिर आपको उसमें प्लानिंग करनी है कि वहाँ पे हम किस तरह से उसको फर्दर इफेक्टिव बना सकते हैं, तो ये कन्वर्सेशनल टाइप होती है, लेकिन ये मोर देन टू या इस तरह से होता है, ठीक है। तो फोर्थ सेक्शन जो है ये बिट हार्डर होता है एज कम्पेयर टू ऑल अदर, और इस फोर्थ सेक्शन के अंदर जो है ना इस तरह से है कि आपको एक ही गो में पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन को रीड करना होता है, तो फिर इस वजह से भी ये थोड़ा हार्डर होता है। जिस तरह फर्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें आपको पहले कहा जाता है 1 to 4 तक रीड करें, देन आपको कहा जाता है कि 5 to 10 या 6 to 10 रीड करें, ठीक है। तो ये थोड़ा फिर आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू इसके कि हम 1 से लेकर 10 तक के जो भी क्वेश्चन है हम उनको एक ही दफा में रीड करें, ठीक है। तो अब थोड़ी पहले टिप्स को डिस्कस कर लेते हैं, और फिर जैसे ही बल्कि मैं टेस्ट ओपन करके डायरेक्ट आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। ये हम एक सैम्पल टेस्ट है, इसको देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं कि जो जो हमने देखा कि सेक्शन वन के अंदर क्या होता है। अच्छा, तो आप में से कोई बता सकता है ये देख के कि ये क्या चीज है, कुछ समझ आ रहा है आपको? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन 1 to 5 जी, एनीवन? मैम लाइब्रेरी कार्ड है। लाइब्रेरी कार्ड है, ओके, एनीवन एल्स? जी, कोई रफ आइडिया कोई और बताना चाहे कि ये क्या चीज है? चलें ठीक है, मैं बता देती हूँ। तो जैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग प्ले होगी, तो आपको पहले यहाँ पे देखें कि सेक्शन वन भी लिखा हुआ है और यहाँ पे बाकायदा हाईलाइट किया हुआ है कि क्वेश्चंस 1 to 5। तो रिकॉर्डिंग के अंदर भी आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि नाउ आपको जो है ना इतने सेकंड्स दिए जा रहे हैं और आप 1 to 5 से लेकर क्वेश्चंस को देख लें, ठीक है, और इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन बिलो, राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर फॉर ईच आंसर। तो यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है ना, नो मोर देन 2 वर्ड्स, तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आंसर लिख लिया 3 वर्ड्स के अंदर, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपने जो है ना 2 वर्ड्स के अंदर ही आपका आंसर देना है। हो सकता है वो 1 वर्ड का भी हो, मतलब आंसर हो, वो भी सही हो सकता है। अगर वो अकॉर्डिंग टू हमारी जो इंस्ट्रक्शन होंगी वो 1 वर्ड बन रहा है, तो देन फाइन, पर 2 वर्ड से ज्यादा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और फिर अगर एक नंबर भी हो सकता है,
ये इंस्ट्रक्शंस इसको इन क्वेश्चंस के लिए गिवन है. फिर अगेन हम फर्दर मूव करेंगे तो उनकी इंस्ट्रक्शंस हमें अलग से गिवन होंगी. तो ये अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्या चीज है, ये इस तरह से है कि एक टॉक होगी जो हमने यूजुअली डिस्कस किया कि एक सोशल टॉक होती है फर्स्ट सेक्शन के अंदर. तो एक टॉक है, हेड लाइब्रेरियन जो है ना इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ठीक है. तो इंस्ट्रक्शंस इस तरह से दे रहा है कि वो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है लाइब्रेरी की. यहाँ पे आप देखें पहले आर्ट्स की बात की गई है, देन एक बुक्स का सेक्शन है, देन बुक कार्ड्स का सेक्शन है. तो किस तरह से बताया गया है आर्ट्स, और उसके सामने फिर ये एक जो कॉलम बना हुआ है उसके अंदर डैश टू डैश मतलब टाइमिंग लिखी हुई है, ठीक है. तो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको ये बताया जाएगा फॉर एग्जाम्पल कि लाइब्रेरी का टाइम जो है वो फॉर एग्जाम्पल 8 AM से लेकर 4:30 PM तक होता है. तो आपने बड़े गौर से सुनना होगा, बल्कि इस तरह से होता है कि जो हमारे आंसर्स होते हैं ना उनको इतना एम्फसाइज करके बोला जाता है कि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि यही आंसर हो सकता है, ठीक है. तो आपने यहाँ पे वो फौरन से नोट कर देना है, ठीक हो गया. और फिर आगे जो है ना जो टॉक होगी उनकी आपस में, तो वो बंदा उसे बुक्स की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा होगा या फिर हेड लाइब्रेरी उसको बताना चाह रहा है. तो फिर यहाँ पे देखें बताया गया है कि लाइब्रेरी के अंदर एक ग्राउंड फ्लोर है, एक सेकंड फ्लोर है, एक थर्ड फ्लोर है. तो ये वन बाय वन जो है ना सीरीज में ही आपको बताता जाएगा. एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि ना इस तरह से कभी भी नहीं होता कि अगर फॉर एग्जाम्पल थर्ड क्वेश्चन के अंदर मतलब जो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है इसमें कुछ थर्ड फ्लोर लिखा हुआ है, तो इस तरह से नहीं होगा कि आपका पहले थर्ड फ्लोर की बात आ जाए देन सेकंड की देन ग्राउंड की, कभी भी नहीं होगा. ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना इन ऑर्डर होते हैं. इन ऑर्डर का मतलब ये है कि आपने अगर आपकी रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है तो आप शुरू में यही समझेंगे कि आपका आपको सबसे पहले 1 का आंसर मिलेगा, देन इसी तरह 2 का मिलेगा, देन 3 का मिलेगा, ठीक है. तो इस चीज की कोई भी मतलब वरी करने की जरूरत नहीं है कि आप जो है ना इधर उधर ढूंढते रहे, ठीक है. तो आपने बिल्कुल सीक्वेंस से ही चलना होता है, ठीक है. तो फिर कुछ बताया जाएगा कि ग्राउंड फ्लोर पे कौन से बुक्स की कलेक्शन है. यहाँ पे एक देखिए ना सेकंड फ्लोर पे लिखा हुआ एडल्ट कलेक्शन, तो इसी तरह ग्राउंड फ्लोर पे कोई कलेक्शन होगी बुक्स की, थर्ड फ्लोर पे होगी, तो वो आपको बता दिया जाएगा रिकॉर्डिंग के अंदर. और फिर उसके बाद यहाँ पे जो बात हो रही है बुक कार्ड्स की हो रही है, ठीक है. तो इन्होंने बताया कि ब्राउन कार्ड जो होता है वो बुक्स टू रीशेल्फ के लिए होता है, और ब्लैक कार्ड किस लिए होता है, बुक्स टू फिर डैश लिखा हुआ है मतलब आपको आंसर देना है, और वाइल्ड कार्ड, ठीक है. तो आपने ये पहले जो आपको टाइम दिया जा रहा है ना आपने उस टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करना है कि आपने देख लेना है कि इसमें कौन कौन सी चीजों के बारे में बताया गया है. तो आप पूरा नहीं पढ़ें लेकिन आप एटलीस्ट इतना नोट कर लें कि इसमें है क्या. जिस तरह से एक तो टाइम की बात की गई है, दूसरा बुक्स के बारे में और उसके फ्लोर्स के बारे में बात की गई, ठीक है, और देन कार्ड्स के बारे में बात की गई, और कलर्स भी मेंशन है. तो आप ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जब आप एक जब आप रीड कर रहे होंगे क्वेश्चन को तो आप पेंसिल के साथ हाईलाइट करते जाएं जब आप पेपर दे रहे हैं, या अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो आपके पास हाईलाइटर का भी ऑप्शन होता है, तो आप उसके थ्रू भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है जी. किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके मुझना आप प्लीज थोड़ा माइक को देखिएगा, फिर डिस्टरबेंस होती है काफी, ओके मैम, ठीक है. तो आगे मूव करते हैं, ठीक है. तो आगे हम देखेंगे कि ना यहाँ पे देखें आपको फिर क्वेश्चन 6 to 10 लिखे हुए हैं, और फिर ये भी लिखा हुआ है कि कंप्लीट द लाइब्रेरी स्केड्यूल नाउ स्केड्यूल. तो आपको यहाँ से भी समझ आ जाएगा कि इसमें लाइब्रेरी का कोई मतलब स्केड्यूल की बात की गई है. तो अब बात करते हैं कि ना जो मैंने आपको बताया कि एक सेक्शन पूरा होने के बाद आपको 30 सेकंड का पॉज दिया जाता है कि या फिर जितने भी सेकंड हो तो आपको कहा जाता है कि आप इनको रीचेक करें. तो आप मुझे बताएं कि आप लोग उन 30 सेकंड को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे. मतलब ये आपने 1 to 5 आपने अटेम्प्ट कर लिए, और फिर आपको कहा जाता है कि अब आपके पास 30 सेकंड्स हैं और इन 30 सेकंड्स में आप अपने आंसर्स को रीचेक कर लें. तो आप मुझे बताएं आप आंसर्स को रीचेक करेंगे या आप कुछ और करेंगे उन 30 सेकंड्स का. मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट. तो हम क्या करेंगे उन जो है ना
30 सेकंड्स को इस तरह से यूटिलाइज करेंगे कि हम अपने नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा उनको रीड कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो वो पिछले वाले जो रीचेकिंग के 30 सेकंड्स हैं वो भी हमें मिल गए, और इन इस सेक्शन के अपने 30 सेकंड्स भी हमें मिल गए। तो अगर बेशक आपने ये बहुत अच्छे से रीड कर लिए तो आप आगे भी जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, अगर नहीं है तो फिर आप इसी को अच्छे से रीड करें, ठीक है। तो ये जो है ना एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है आईएलटीएस के अंदर, सॉरी लिसनिंग वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो अब देखें कि इसमें काफी सारी चीजें नोट करने वाली हैं, वो क्या क्या हैं कि पहले तो अच्छा कोई बता सकता है आप में से कि हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए? मैम मुझे लगता है इसमें सबसे पहले कीवर्ड्स ढूंढने चाहिए, जैसे एक्टिविटी है, लोकेशन है, डे एंड टाइम ये हमें थोड़ा आइडिया दे रहे हैं चीज़ों के बारे में। और फिर एक्टिविटी में जैसे स्टोरी टाइम है, तो इन कीवर्ड्स को हमें लोकेट करके थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसमें किस तरह हमने क्या चीज़ सुननी है। सही, और कोई? चले मैं बता देती हूँ, ठीक है। जैसे मुजना ने कहा कि हमें कीवर्ड्स को हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है। हाईलाइट करने का इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ना अगर आप एक चीज को देखते रहेंगे तो आपको इतनी वो चीज समझ नहीं आएगी, तो आपका ब्रेन तब एक्टिव होगा क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम होता है और उस शॉर्ट टाइम के अंदर हमें खुद को एक्टिव भी रखना होता है और डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर करना होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम किसी चीज को हाईलाइट करते हैं ना तो वो थोड़ा हमारे एक तो माइंड के अंदर वो चीज फॉर अ टाइम बींग वो फिट हो जाती है, और दूसरा हमारा ब्रेन थोड़ा एक्टिवली परफॉर्म करने लगता है। तो इसलिए आप जो है ना अच्छा यही होता है कि आप हाईलाइट करें मेन इंपॉर्टेंट चीजों को। और अब देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक सीक्वेंस बनी हुई है, वो किस तरह से है कि पहले स्टोरी टाइम, देन स्टोरी टाइम के आगे फिर लोकेशन बताई हुई है, देन डे एंड टाइम बताया हुआ है। तो देखें 6 नंबर यहाँ पे है, 7 यहाँ पे, देन 8, देन 9, देन 10। तो अब स्टोरी टाइम ये एक्टिविटी है, उसकी लोकेशन बताई गई है और उसका टाइम बताया गया है, डे एंड टाइम बताया गया है। देन यहाँ पे कोई एक्टिविटी होगी जिसका ब्लैंक हमें गिवन है और उसकी लोकेशन भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और उसका टाइम बताया गया है। तो अब इस तरह से आपको सुनना है कि आपको कौन सी चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। और देन फिर अगेन एक और एक्टिविटी है लेक्चर सीरीज की, तो फिर आपको बताया जाएगा कि लेक्चर सीरीज की एक्टिविटी कहाँ पे परफॉर्म होगी, कौन से रूम में, तो आपने फौरन से वो सुन के लिख लेना है और उसका टाइम क्या होगा, ठीक है। तो ये किस तरह से और कौन सी सीक्वेंस से ये क्वेश्चन चल रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट ये वाली चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रही थी, ठीक है। इस तरह से नहीं हो कि आप रिकॉर्डिंग प्ले हो और फिर आप जो है ना उसको सुन के सोचते रहे कि ये क्या बात करें, आप उससे पहले ही समझ लें कि ये किस तरह से किस कौन मतलब तरीके से हमें इसको देखना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से गिवन है, ये सबको क्लियर हो गया? और हम जैसे जैसे टेस्ट करते जाएंगे ना तो हमें हर डिफरेंट जो टाइप ऑफ टेस्ट है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है उनके उनका आइडिया भी मिलता जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर दफा सेक्शन वन के अंदर इसी तरह की टेबल बनी हुई हो, कुछ और भी हो सकता है। जी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें आप। चलें ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो अब ये सेक्शन टू, तो सेक्शन टू में जो है ना यहाँ पे इस टेस्ट में इस तरह से गिवन है कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि क्वेश्चंस 11 टू 15 आपको पहले सॉल्व करने होंगे, देन 16 टू 20। अब जो 5 लेटर्स ए टू आई विच 5 एक्टिविटीज आर अवेलेबल एट गोल्डन लेक रिजॉर्ट, तो ये किसी गोल्डन लेक रिजॉर्ट का नेम है उसकी बात कर रहा है और पूछा गया है कि कौन सी 5 एक्टिविटीज वहां पे अवेलेबल है। तो अब इस तरह कभी भी नहीं होगा कि आपको सीधा सीधा बस वही एक्टिविटीज वहां पे बताई जाएंगी रिकॉर्डिंग के अंदर कि ये एक्टिविटीज वहां पे अवेलेबल है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे हमसे 5 पूछी गई हैं और जो हमारे पास ऑप्शंस हैं जहां से हमें चूज करना है यहाँ पे मोर देन 5 है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे कंफ्यूज किया जाएगा। कंफ्यूज इस तरह से करते हैं क्योंकि कभी भी रिकॉर्डिंग सीधी तरह से प्ले नहीं होती, जैसे मैंने कहा कि सेक्शन मूव होगा आगे इसी तरह आपकी डिफिकल्टी लेवल भी मूव होती जाएगी,
तो फिर यहाँ पे आपको हो सकता है पहले आपको स्विमिंग के बारे में बताया जाए, तो इस तरह से कहा जाए कि गोल्डन लेक रिजॉर्ट के अंदर हम पहले जो है ना स्विमिंग की एक्टिविटीज करवाते थे, और अब फिर बाद में वो इस तरह से मूव करे कि अब कहे कि अब हमारे पास स्विमिंग की एक्टिविटी नहीं है, तो आप इस तरह से नहीं समझेंगे स्विमिंग का वर्ड सुना और आप कहेंगे कि हाँ स्विमिंग जरूर होगा, वर्ड सुन के कभी भी नहीं करना, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है कि कह क्या रहा है, ठीक है, अच्छे से उसको सुनना है, तो फिर आगे हो सकता है आपको फिर कहा जाए कि हमारे पास बोटिंग की एक्टिविटी अवेलेबल है, तो आपने इसको कर लिया, ठीक, फिर देन आगे जाके अगेन आपको कंफ्यूज किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल फिशिंग की एक्टिविटी के बारे में कुछ बताया जाएगा कि फिशिंग जो है वो एक मतलब प्रेफर करते हैं लोग लेकिन हमारे पास नहीं है या है, तो फिर आप जो है ना इन चीजों को बड़ा गौर से सुनेंगे, ठीक है, तो इसी तरह फिर आगे भी जो एक्टिविटीज हैं हो सकता है गोल्फ की एक्टिविटी के बारे में उन्होंने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली हुई हो ऐसे ही बताने के लिए, लेकिन वो जो है ना वहाँ पे हो ही नहीं अवेलेबल, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है, तो इसी तरह से ये जो है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए सारी चीजों को ही ऐड करेंगे बल्कि, ठीक है, तो आप वो वाली चीजें पिक करेंगे जहाँ जो हमें जो है ना इस गोल्डन लेक रिजॉर्ट के अंदर वो एक्टिविटीज अवेलेबल हैं उस करंट टाइम के अंदर, ठीक हो गया, ओके, फिर आगे जो है इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो मोर देन वन वर्ड, जिस तरह से पहले नो मोर देन टू वर्ड्स की हमें इंस्ट्रक्शन मिली थी और यहाँ पे आपको नो मोर देन वन वर्ड की मिली है, तो आप वन वर्ड से ज्यादा नहीं लिख सकते, अगर आपने टू वर्ड लिखे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि स्केड्यूल की बात की गई है नाइट एंड एक्टिविटी, तो नाइट में इनके पास कुछ एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, मतलब हर डे के नाइट के ऊपर, जैसे संडे नाइट है तो कौन सी एक्टिविटी होगी, मंडे नाइट है तो फिर उसकी ये पहले ही बताई गई है, इसी तरह ट्यूसडे नाइट, ठीक है, तो इस सारी जो है ना डेज यहाँ पे लिखे हुए हैं और यहाँ पे जो है ना आपको एक्टिविटी का पूछा गया है, ठीक है, और हाँ एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि ना सेक्शन टू में यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर तो इस तरह से है, लेकिन सेक्शन टू में हमारे पास कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और कभी कभी हमारे पास डायग्राम लेबलिंग भी आ जाती है, तो डायग्राम लेबलिंग भी मैंने ऐड की थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, डायग्राम लेबलिंग इस तरह से होती है, तो आपको जो है ना एक ये दिया जाता है डायग्राम और उसके अंदर आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाईलाइट करने वाली चीजें तो वो क्या है, वो ये है कि आप ये स्ट्रीट का नाम देखें, ये वाली चीज देखें, ठीक है, और ये स्ट्रीट का नाम देखें और ये, ठीक है, और दूसरे भी आपके पास ये बिल्डिंग्स के बने कुछ, ठीक है, लेबल द मैप ब्लू, राइट द करेक्ट लेटर ए टू आई नेक्स्ट टू क्वेश्चन 11 to 16, अब आपको करना क्या होगा इसके अंदर, आपको करना ये होगा कि आपने ए टू आई, अब देखिए बॉक्सेस बने हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये बेसिकली बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, तो इसमें से आपको जो है ना रेस्टोरेंट कौन सी बिल्डिंग है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका रेस्टोरेंट जो है वो डी हो सकता है, तो आपको वो बाकायदा बताएंगे कि आप इस जगह से शुरू करेंगे, फिर आप राइट मूव करेंगे, फिर आप लेफ्ट जाएंगे, फिर ग्रोवर स्ट्रीट पे हैं आप, तो उसके फॉर एग्जांपल आप कौन सी साइट पर हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपको सारा वो बताते जाएंगे और आपको जैसे जैसे आप सुनेंगे और आप इमेजिन करेंगे कि अब आप यहाँ से कहाँ मूव करें, तो यहाँ पे वो कौन सी जगह बन रही है, ठीक है, तो फिर जिस तरह फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन दी और आपने देखा कि वो जो बिल्डिंग बन रही है वो डी है, तो फिर आप कहा जाएगा कि जो है ना रेस्टोरेंट इज लाइक एट दिस प्लेस, तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे डी, ठीक है, फिर अगेन आपको बता दिया जाएगा कि नाउ मूव टुवर्ड्स दिस स्ट्रीट और मूव राइट और मूव फॉरवर्ड, ठीक है, तो फिर आपको उस हिसाब से यहाँ पे उसका आंसर लिखना होगा, तो इन इनके लिए ना एक मेन वर्ड्स होते हैं जो कि आपको समझने होंगे, जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, एक तो आप डायरेक्शंस आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और भी कुछ कॉमन वर्ड्स थे, अगर वो कह रहा है मूव फॉरवर्ड तो आपको कहाँ जाना है, अगर वो कह रहा है मूव राइट तो आप किस तरफ जाएंगे, मूव लेफ्ट तो आप किस तरह से जाएंगे, ठीक है, और कभी कभी इस तरह से भी होता है कि अगर डायरेक्शन गिवन है ना तो मतलब
तो फिर आपको कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो इस ये वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस उसके लिए, डायग्राम लेबलिंग के लिए, या मैप लेबलिंग भी होती है, डायग्राम लेबलिंग भी होती है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो ये सारे हम टाइम टू टाइम देखेंगे। इसकी जो लैंग्वेज है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से अगर अपोजिट का भी एक वर्ड आता है, बिसाइड का एक वर्ड आता है, ऑन द कॉर्नर, जिस तरह अगर मैं ये चीज दिखाऊं आपको, तो ये जो एफ बिल्डिंग है यहाँ पे कोई, तो ये किस चीज का कॉर्नर बन रहा है, ये पोर्ट स्ट्रीट और डार्लिंग स्ट्रीट जो है इसका कॉर्नर पे है, ठीक है। और इसी तरह फिर अगर ये सुपर मार्केट की बिल्डिंग है, तो इसके सुपर मार्केट के बिल्कुल जो है सामने कह सकते हैं हम टाउन हॉल की बिल्डिंग है, ठीक है। और फिर इसी तरह से यहाँ पे देखें ग्रोवर स्ट्रीट है, ग्रोवर स्ट्रीट की एक साइड पे आपको इस तरह से कहा जाता है कि डी बिल्डिंग है, और दूसरी साइड पे इसकी लाइब्रेरी है। तो मतलब ये सारी चीजें ही उस रिकॉर्डिंग में आपको बताई जाएंगी, बस आपने जो है ना गौर से सुनना है। और कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने फॉर फ्यू सेकेंड्स, फ्यू क्या मैं तो 1 सेकेंड कहूँ, तो आपने अगर 1 या 2 सेकेंड के लिए खुद को डाइवर्ट कर लिया ना, तो आप हो सकता है कुछ मिस कर जाए, ठीक है। तो आपने कंसंट्रेशन से सुनना है, ओके। तो इसकी शायद मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखी थी, ये वाली, इसमें यहाँ पे तो आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए, चलें हम इनको देख लेते हैं। देखें अब ये एक मतलब कोई मैप के वन है, और अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि वहां पे लिखे तो नहीं होते, वहां पे तो आपको रिकॉर्डिंग ही प्ले होती है। व्हाट लेटर इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द फुटबॉल फील्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया है, नॉर्थ ईस्ट, तो अब देखें आप कौन सी फील्ड की बात कर रहे हैं, फुटबॉल फील्ड की, तो आप फुटबॉल फील्ड पे जाएंगे फॉरन, यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा बन रहा है, यहाँ पे देखें एक गिवन भी है, ये बहुत पिक्चर थोड़ी छोटी सी है ना, तो आपको सही से नजर नहीं आएगा, लेकिन ये डायरेक्शन बताए गए, तो नॉर्थ ईस्ट इसका ये वाला बन रहा है, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। और इफ यू एंटर फ्रॉम द वेस्ट गेट, अब आपको ये बताया गया कि आपका कौन से गेट से एंटर होंगे। अच्छा देखें अब डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ें तो आपको हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप इस डायग्राम को देखेंगे ना, तो आपको पहले चीजों को पता होना चाहिए। आप क्या देखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, आप देखेंगे कि एक गेट है वेस्ट गेट, एक ईस्ट गेट है, एक नॉर्थ गेट है, एक साउथ गेट है, ठीक है। अच्छा उसके अंदर कुछ ये ब्लॉक्स तो बने ही हुए हैं, लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें वो है एक ये चीज, पॉन्ड, फुटबॉल फील्ड एंड टेनिस कोर्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए ये वर्ड्स आपने देखे, हाईलाइट किए, आपके जहन में एक दफा बैठ गए, अब जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये वर्ड तो मैंने यहाँ पे कहीं पे देखा है, तो आप देखेंगे तो आप फौरन उस आपकी जो नजर है ना उसी पे जाएगी। एक मिनट दीजिएगा प्लीज। तो हमने देखा कि ये क्या बात कर रहा है, इफ यू एंटर फ्रॉम द वेस्ट गेट, अगर आप वेस्ट गेट से जा रहे हैं, तो व्हाट लेटर इज इमीडिएटली टू योर राइट, तो वेस्ट गेट कहाँ पे ये वाला है। और अब बात कर रहे हैं कि इमीडिएटली टू योर राइट, तो इमीडिएट राइट यहाँ पे इसका कौन सा बन रहा है, ई बन रहा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कोई और ब्लॉक भी होता और वो भी इसकी राइट पे ही है, लेकिन आपको इमीडिएट का वर्ड यहाँ पे देख के अंदाजा होना चाहिए कि फर्स्ट जो आपको राइट चीज मिलेगी वही इसका आंसर होगा, ओके। तो थर्ड वन जो है वहां पे यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटर द ईस्ट गेट एंड वॉक स्ट्रेट अहेड व्हेन यू रीच द टेनिस कोर्ट, दिस लेटर इज ऑन योर राइट। तो कौन से गेट से आप एंटर हो रहे, ईस्ट गेट से, आप स्ट्रेट अहेड वॉक करेंगे, और उसके बाद लिखा हुआ है जब आप टेनिस कोर्ट पर पहुंचेंगे, तो फिर आपको लिखा हुआ है कि दिस लेटर इज ऑन योर राइट, तो फिर आप जैसे यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो आपका राइट साइड कौन सा बन रहा है, ये वाला, तो आपका जो है ना राइट
ये होगा, ये ब्लॉक होगा। तो हो सकता है जिस तरह हमने देखा कि रेस्टोरेंट की बात की गई थी, प्लेग्राउंड एरिया की बात की थी पिछले एग्जांपल में, तो ये बिल्डिंग्स यहाँ पे लोकेट की गई हो, ठीक है। तो वो मैं थोड़ा इसलिए आपको समझाना चाह रही हूँ कि वहां पे नेम गिवन है, तो ये तो फिर एग्जाम्पल है, तो इस तरह से आपको फिर बताया जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, ये सबको क्लियर है? ओके, तो ये हमने सेक्शन टू के अंदर इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। और सेक्शन टू के अंदर कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हम फर्दर मूव करते हैं सेक्शन थ्री के ऊपर। सेक्शन थ्री में जो है ना मोस्टली आपका वो तो मैंने बता दिया एकेडमिक ही होता है। सेक्शन थ्री में मोस्टली आपको सेक्शन थ्री इस तरह से होता है कि थोड़ा मुझे तो सेक्शन फोर से भी ज्यादा मुश्किल ये लगता है। इस वाली टेस्ट में थोड़ा इजी है, पर वैसे अमूमन जो है ना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही इसके अंदर गिवन होते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह से होता है कि इसमें कौन कौन सी चीजें मुश्किल हैं, पहले तो आप लोग मुझे बताएं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे लिए क्यों मुश्किल हो सकते हैं इस टेस्ट के अंदर, कोई बता सकता है? जी, एनी आइडिया? कोई ऐसा टेस्ट देखते हैं जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। जी, मीनवाइल आप लोग बताएं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्यों मुश्किल हो सकते हैं, या सबको आसान लग रहे हैं? मैम मेरे ख्याल से शायद ऑप्शंस ज्यादा देखने पड़ते हैं, हर क्वेश्चन के ऑप्शन देखने पड़ते हैं, या गेस करें। ठीक है, और कुछ? चले, इसके अंदर कोई मुझे नजर नहीं आ रहा। बुक में देख लेते हैं। ये देखें, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्वेश्चन इजी हो सकते हैं या हमारे लिए मुश्किल हो सकते हैं। तो अब देखें, एक चीज हमें बताई जा रही है, अब उसके अंदर हम मैंने आपको कहा कि पहले हमें रीड करना है। तो अब जो आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, तो आप उन 30 सेकेंड्स के अंदर इन क्वेश्चन से क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, हो सकता है किसी की स्पीड अच्छी हो तो वो पढ़ ले, लेकिन फिर भी ये इतना इनफ टाइम नहीं है कि हम इसमें से सारा कुछ पढ़ ले, ठीक है। तो वो वाली ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वही कि आप जो पिछले सेक्शन के आपके रीचेकिंग के टाइम वाले जो टाइम मिल रहा है वो भी आप इस पे यूटिलाइज करें, ठीक। तो अब इसमें आप सारा कुछ ना पढ़े, पहली चीज ये होती है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लें बहुत अच्छे से, 11, 12, 13 जितने भी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप पहले तो क्वेश्चन को देख लेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तब तक आपको रिकॉर्डिंग भी ऑब्वियसली समझ नहीं आएगी। तो रिकॉर्डिंग में एक चीज चल रही होगी और आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो आप उसको कहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पहले क्वेश्चन को समझ लें, तो आपको रिकॉर्डिंग सुन के वही चीज वहां से फाइंड करनी है, ठीक है। फिर आपको ऑप्शंस, अगर आपने फॉर एग्जांपल ऑप्शंस पे आप नहीं भी पहुंच पाए तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ चुके और अभी भी आपके पास टाइम है, अभी तक रिकॉर्डिंग प्ले नहीं हुई, तो आप फौरन से ए बी सी को भी देख लें, और अगर आप इनको पूरा नहीं पढ़ पा रहे तो आप जो है ना इनमें थोड़ा सा जो मेन मेन चीजें वो देखें, ट्रैफिक एक्सीडेंट सेल्स राइज, तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है। उसके बाद लिखा हुआ है कि ना कोई मतलब अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स इज इंक्रीज्ड,
ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फिर व्हीकल्स की बात की गई है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेंजरस ड्राइविंग बाय पेरेंट्स। तो ये मेन मेन चीजें आप यहाँ पे देखें, और यहाँ पे पार्क कार्स की बात की गई है, पोल्यूशन फ्रॉम ट्रक्स की बात की गई है। ठीक है, तो आप ये मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है। पर पहली चीज ये कि आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को देख लेते हैं, टाइम बचता है, तो फिर आप फर्दर जो है ना इस पे ऑप्शंस पे मूव करें, तो फिर इस तरह से आप जो है ना लोकेट कर लेंगे। इसकी भी एक एग्जांपल मैंने स्लाइड्स के अंदर रखी थी। और इसके अंदर भी आपको कंफ्यूज किया जाता है, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन है, और पहले तो एक ही सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये इस तरह से है कि आपसे पूछा गया है व्हाट कलर इज जेनी स्केट, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है। तो आपको इस तरह से सीधा सीधा नहीं बताया जाएगा कि जेनी स्केट इज ब्लैक, ठीक है। आपको इस तरह से बताया जाएगा कि आई रियली वांटेड अ जिंजर केक, बट आवर काउच इज ग्रे, सो आई डिसाइडेड ऑन अ ब्लैक वन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? फाइनल ब्लैक वन। ठीक है, तो पहले इन्होंने जिंजर की भी बात की, ठीक है, और सॉरी ग्रे की भी बात की, ठीक है। तो हो सकता है कि आप पहले ग्रे का वर्ड जो है ना सुन के आप कहें कि ग्रे कलर होगा, लेकिन बाद में उन्होंने जो है ना ब्लैक कहा कि हमने क्या किया, डिसाइड कि हम ब्लैक वन जो है ना वो लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज किया जाता है। और कन्वर्सेशन तो होती है इस तरह से कि आप चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो डिस्कशन के अंदर एक या दो चीजें ही होती हैं, मतलब एक फौरन से आपको वो नहीं बताया जाएगा जो सही होगा। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है। अच्छा, ये आप में से कोई पढ़ के बता सकता है? ये असल में ये रिकॉर्डिंग लिखी हुई है, ठीक है जी। यहाँ तक पहले देखें, आप मुझे ये बताएं कि इन इनका जो आंसर है ए बी और सी, इनको देख के इनमें से आपको कुछ लग रहा है कि इनका कोई आंसर सही होगा यहाँ से? जी, यू हैव 30 सेकेंड्स। जी, किसी को समझ आया? पहले तो कोई मुझे क्वेश्चन का मतलब बता दे, एनीवन प्लीज। आप लोग पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कुछ समझ आ रहा है, और आपका ही फायदा होगा इसमें। जी मैम, क्वेश्चन तो ये है कि जेम ने जो है वो कौन सा टॉपिक प्रेजेंटेशन के लिए चूज किया ओके, तो फिर ये था। रिकॉर्डिंग है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कुछ लग रहा है इसमें कि यहाँ से कोई आंसर सही हो सकता है, मतलब मैम ऑप्शन बी, या फिर मुझे वैसे सही समझ नहीं आ रहा। देखें, हमें पहले सुन के भी यही लगेगा। अच्छा, चैट में किसी ने लिखा हुआ है जेमी ने प्रेजेंटेशन के लिए कोई टॉपिक सेलेक्ट किया, ठीक है। ओके,
तो हमें यहाँ पे पहले जो है ना देख के यही लग रहा है कि ना मीडिया से इसने जो है ना मीडिया का कोई टॉपिक होगा, लेकिन अगर हम इसको बड़े गौर से पढ़ें तो यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है, आई हैवंट सीन एन आर्टिकल ऑन इट इन द मेन स्ट्रीम मीडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो वो ये कह रही है कि मैंने जो है लॉन्ग टाइम से मीडिया मेन स्ट्रीम पर कोई आर्टिकल ही नहीं पढ़ा, कोई आर्टिकल देखा ही नहीं. तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर उसने आर्टिकल देखा ही नहीं है तो वो वहां से चूज करेगी? तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर हम इस आंसर को डायरेक्टली क्रॉस कर देंगे. ठीक है, और उसके बाद अगली स्लाइड में अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर देखें तो फिर उसके बाद मैंने आपको कहा ना कि सारे ऑप्शंस को ही डिस्कस किया जाता है. तो उसके बाद उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि आई डू रिमेम्बर दैट माई डैड यूज टू गेट सो फ्यूरियस रीडिंग ऑल अबाउट द प्लान्स टू एक्सपेंड जीएम क्रॉप्स एंड इम्पोर्ट्स. तो फिर इन्होंने यहाँ पे पेरेंट्स की बात की गई, और उसने अपने यहाँ पे सॉरी रिकॉर्डिंग के अंदर यहाँ पे डैड की बात की गई है, लेकिन लिखा गया है कि वन ऑफ हर पेरेंट इज एन एक्सपर्ट ऑन इट. और यहाँ पे ये कह रहा है कि ना उसका डैड जो है गेट सो फ्यूरियस रीडिंग ऑल अबाउट द प्लान्स टू एक्सपेंड जीएम क्रॉप्स एंड इम्पोर्ट्स. तो उसको तो ये पसंद ही नहीं था, तो फिर इस तरह से भी ये नहीं हो सकता. तो बाकी तो यही ऑप्शन बचा, फिर आगे जैसे ही आप सुनेंगे तो आपको फाइनली वो ही मिलेगा. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट मूव करें, शायद मैंने यहाँ पे स्क्रीन शॉट वो नहीं लगाया, लेकिन इसका आंसर यही था कि उसने जो है ना एक फिल्म देखी थी और वहां से इंस्पायर होके उसने जो है ना ये टॉपिक लिया था. ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं मिस कर चुकी हूँ. ठीक हो गया, तो ये समझ आया आप लोगों को कि किस तरह से चीजों को देखते हैं? जी मैम समझ रहे। ओके ग्रेट. अच्छा, हम फर्दर देखते हैं. ये वाली जो टेस्ट है इसके अंदर देखिए सेक्शन 3 कितना आसान है, तो फिर आपका लक भी हो सकता है. कभी कभी आपको इतने आसान से क्वेश्चन भी मिल जाते हैं. ठीक है, जिस तरह से उसमें और इसमें डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं कि वहां पे बड़े बड़े ऑप्शंस थे, और मतलब और यहाँ पे देखिए कि वन वर्ड का एक ऑप्शन है, मैप, केस स्टडी, चार्ट्स एंड ग्राफ्स. ठीक है, और फिर उसके बाद ये देखिए, ये भी एक और टाइप हमें नजर आ गया है. इसके अंदर नो मोर देन 3 वर्ड्स फॉर ईच आंसर. तो अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट टू सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन डू द स्टूडेंट्स यूज व्हेन प्रिपेयरिंग देयर प्रेजेंटेशन. तो यहाँ पे भी कोई डिस्कशन हो रही होगी, हो सकता है कोई टीचर कुछ बता रहे, तो फिर वो सोर्सेस के बारे में बता रहे, तो फिर आप उन जो है ना हो सकता है वो ज्यादा रिसोर्सेस की बात करे, और आपने फिर वो दो चूज करने जो इम्पोर्टेंट वहां पे डिस्कस होंगे. ठीक है, जिनके बारे में बताया जाएगा. ओके, और फिर व्हाट विल द स्टूडेंट्स शो ड्यूरिंग देयर प्रेजेंटेशन. तो फिर आप वो भी आप वहां से जो है ना सुन के यहाँ पे लिख सकते हैं. तो पहले आपको जब तक क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे तो वहां पे तो बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, तो फिर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें कि हम मुझे कौन सी दो चीजों के आंसर फाइंड करने, तो फिर आप वो ही लिखेंगे. ठीक हो क्या? और ये फिर आगे सेम ही है. ओके, अब आ जाते हैं सेक्शन 4 के अंदर. सेक्शन 4 जो है ना, ये आपका सबसे मुश्किल वाला टेस्ट होता है. ठीक है, इस तरह से मुश्किल होता है कि एक तो आपने इसको सारे 10 क्वेश्चन को एक ही उसमें टाइम में जो है ना रीड करना होता है. आप यहाँ तक ही पहुंचते हैं, चले मैं 38 तक चले कर लेते हैं, 38 तक भी मुश्किल है. ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ इस पार्ट का जो टाइम है वो यूटिलाइज करेंगे तो फिर आप कभी भी एंड तक नहीं पढ़ पाएंगे 40 तक. आप दोनों वाले सेक्शन के टाइम जो यूटिलाइज करेंगे तो फिर आप आराम से 40 तक पढ़ लेंगे. ठीक है, तो अब इसमें आपको ऐसे नहीं कहा जाएगा कि क्वेश्चन 31 से 33 तक अब रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है और आपने जो है ना आंसर्स लिखने हैं.
ठीक, इसमें इस तरह से नहीं होगा। आपको थ्रू आउट जैसे ही बस सेक्शन फोर स्टार्ट हो रहा है, अब आपने एक्टिव होके सुनना है, और हो सकता है कि मतलब आपको लग रहा है कि 33 पर है और आप वो जो है ना आगे 34 पर मूव कर गए, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे ये वाला कभी भी नहीं बताया जाएगा कि अब 34 पर मूव करना है, 34 से 38 तक। तो डिफरेंस समझ आ गया कि बाकी सेक्शन और इस सेक्शन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा तो हुआ है लेकिन यहाँ पे इस तरह से कभी भी नहीं होता। हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। तो होपफुली हम नेक्स्ट वीक से प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह इनकी, ठीक है। ओके, और इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर जी यही कुछ था। और कोई आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो फिर आप लोग पूछ लें। जी, किसी का कोई सवाल? ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। गार्डन तो जरमीना, आप माइक ऑन। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? काफी टाइम है हमारे पास, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग पूछ लें। सॉरी मैम, बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन है। नॉर्मली ऐसा होता है मैडम, इसमें जो लास्ट सेक्शन है उसमें टाइम जो है ना वो अप हो जाता है, और जो है ना वो कंप्लीट आंसर नहीं, यानी कि जो है ना समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से टाइम मैनेज करें लास्ट सेक्शन के ना। स्टार्टिंग वाले सेक्शन में तो फिर मैनेज हो रहा होता है टाइम, बट इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है वो बिल्कुल ही स्पीड में निकल जाता है, यानी कि तो उसकी थोड़ा सा कोई टिप वगैरह ऐसी हो जिससे, एक तो ये है कि हम जो है जब हमारा थर्ड सेक्शन कंप्लीट हो तो हम अपना जो है रिव्यू में टाइम वेस्ट ना करें और फोर्थ सेक्शन पढ़ना शुरू कर दें, बट वो एक साथ इतना रिमेम्बर करना भी पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल, क्वेश्चन अच्छा है आपका। तो इस आपको बिल्कुल रिमेम्बर करने की तो जरूरत ही नहीं है। आप क्या करें कि आप जो है ना, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ के टाइप में आपको कोई चीज गिवन है, उसके अंदर ब्लैंक्स हैं, इस तरह भी एक दो टेस्ट मैंने देखे। तो आप क्या करें, वहां पे आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है पहले तो आप उनको हाईलाइट कर लें, ठीक है। क्योंकि ब्लैंक से पहले जो चीज होगी तो ऑब्वियसली वहां पे, बल्कि मैं ना आपको टेस्ट दिखा देती हूँ, एक मिनट। ये देखें, यहाँ पे हमें लग रहा है ना कि एक पैराग्राफ की मतलब फॉर्म में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, कि आपको यहाँ से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट लग रही हैं जो हमें हाईलाइट करनी चाहिए। अगर आप एक गो में इसको देखें तो आपको क्या लग रहा है? मैडम, क्योंकि ये अर्बन एनवायरनमेंट्स वगैरह के हिसाब से तो इसमें एनवायरनमेंटल चेंज हो गया और जनरल अडेप्टेबिलिटी हो गई, इस तरीके से हाईलाइट करें। ओके, नेक्स्ट वाले में सिटी बिल्डिंग्स हो गई बिकॉज़ दे आर सिमिलर टू, थर्ड वाले में अनयूजुअल समथिंग। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। अनयूजुअल। ओके, एंड इसके बाद रीसेंट रिसर्च के जब बात करेंगे तो सबसे इसमें 34 के साथ साइज हो जाएगा कि शी फाउंड द साइज, ठीक है। देन न्यू सोर्सेस, वेयर इज न्यू सोर्सेस? ओके, एंड कैटरीना मिरांडा फोकस्ड ऑन फोकस्ड फॉर 36 birds, we are often afraid of situations. Animals respond for 38. For 39 usage, जो use है,
squirrels use their dash. So it's like unique long term possibilities where unique to cities. Okay. ठीक है, तो अब देखें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे हमें गिवन है, जो आपने खुद भी बताया कि यहाँ पे रिसर्च, रीसेंट रिसर्च, और ये मतलब कुछ वो हमें जो है ना हेडिंग्स गिवन है. ठीक है, तो ये आप फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जिस तरह से अगर आप 33 तक आप पहुँचे हैं, लेकिन आपसे जो है ना आप 32 तक पहुंचे और आपको 33 का आंसर नहीं मिल रहा. ठीक है, आप सुनते जा रहे हैं, वो जो है ना थोड़ा लंबा सा बता रहे हैं, लेकिन आपको लग ऐसे रहा है कि ना आप ये क्वेश्चन मिस कर गए. तो फिर अगर फॉर एग्जांपल आप आगे जो है ना सुन लेते हैं कि जैसे ही वो रीसेंट रिसर्च का एक वर्ड आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, अब आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे फौरन. ठीक है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अब ये रह गया तो रह गया, वो रिकॉर्डिंग तो आपके पास नहीं आनी. तो आप फौरन से इस वर्ड की वजह से आपको पता चल जाना चाहिए कि अब मुझे जो है ना इस वक्त आगे मूव करना है. ठीक है, अब मुझे पीछे नहीं देखना. तो ये वर्ड हाईलाइट करने का मकसद ये था कि हमें यहाँ से पता चल गया कि अब हमें आगे मूव करना चाहिए. फिर यही ट्रिक आगे के लिए भी यूज हो सकती है. ठीक, और दूसरी चीज यहाँ पे देखें, नेम्स लिखे हुए हैं. ठीक है, एक बात की गई है कि ना इमली स्नेल रोड स्टडी, तो स्टडीज की बात की गई है यहाँ पे. फिर एक और नेम गिवन है, फिर यहाँ पे एक और नेम गिवन है. तो अगर फॉर एग्जांपल आपने ये वाली चीज मिस कर ली और ये नाम आपको सुनने में आया, तो आप यहाँ पे मूव कर जाएंगे फौरन. ठीक, ये तो हो गया इस तरह से कि अगर आप कोई चीज मिस कर लेते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए. और दूसरी चीज ये है कि आपने भी खुद भी कुछ वर्ड्स जो है ना हाईलाइट करवाएं. और दूसरी बात ये है कि अब देखें, ये वर्ड्स तो आपने हाईलाइट कर लिए, लेकिन उसके अलावा आप यहाँ पे देखें कि इसके अंदर आपने कहा सिटी बिल्डिंग्स, लेकिन यहाँ पे एक मुझे ये वर्ड ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, दीप पिजन. ठीक है, तो कुछ बताया जाएगा उसके बारे में, तो फिर जैसे ही उसके बारे में बताया जाएगा तो फिर आगे लिखा बिकॉज वॉल्स ऑफ सिटी बिल्डिंग्स आर सिमिलियर टू, तो फिर इस चीज की कोई बात की गई है. ठीक है, इनफैक्ट उसके बाद लिखा हुआ मेनी अर्बन एनिमल्स आर अडेप्टिंग विद अनयूजुअल, फिर कोई चीज, ये अनयूजुअल आपने बिल्कुल सही लिखा, तो अनयूजुअल का वर्ड ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग के अंदर यूज होगा. ठीक है, और इस तरह से फिर आपने देखा कि आगे इन्होंने रीसेंट रिसर्च की बात की, और फिर ये शुरू में आपको यही वाली चीज बताएंगे कि इमली स्नेल रूट ने एक स्टडी जो है ना कुछ स्टडी किया था, किस चीज के बारे में किया था, ये सारी चीजें बताएंगे. फिर जैसे ही आप देखें कि कुछ बताया जाए कि वहां पे साइज की कोई बात की जाए, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे मुझे ये वाली चीज मेंशन करनी है. ठीक हो गया, तो वर्ड्स आप देख लें, आपने खुद ही बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स जो है ना यहाँ पे हाईलाइट करवाए, तो वर्ड्स को आप फोकस करके सुनेंगे ना, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि जो है आपका कितना सही होना चाहिए. पहले इस वाले पोर्शन में मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं आ रहा था, मैंने आज ही जो है ना रिसेंट ये वाला टेस्ट किया था, तो मेरे इसमें से सिर्फ मेरे दो गलत हुए थे. तो आई डोंट थिंक सो कि दैट्स बैड स्कोर. अगर फिलहाल मेरे दो भी गलत आ रहे हैं तो दैट्स गुड. ठीक है, 8 अगर मैं इसमें से स्कोर फिलहाल कर रही हूँ तो दैट इज फाइन. तो अगर आपका भी फॉर एग्जांपल 7-8 इस तरह से आ रहा है शुरू में तो अच्छा है, लेकिन आप जिस तरह से आगे मूव करते जाएंगे, यूज टू होते जाएंगे, तो आप खुद ही इम्प्रूवमेंट देखेंगे. ठीक है, आई होप कि मैंने आपको सही से समझाया. जी, किसी और का कोई सवाल? हमारा टाइम हो चुका है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले, नहीं तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं. मैडम बस एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर तो इसमें सिंगुलर प्लूरल का भी अगर डिफरेंस होगा तो भी आंसर जो है रॉन्ग हो जाता है या इट विल वर्क? बिल्कुल, ये डिफरेंस होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेलिंग्स का होता है, सिंगुलर प्लूरल का होता है, ये सारी चीजों का डिफरेंस आ जाता है.
और एक और चीज के ना, अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही, जिस तरह से काफी हमने देखा कि ए बी सी टाइप के ऑप्शंस भी थे, तो आप क्या करें, इनको एम्प्टी ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप खाली छोड़ेंगे तो उसके तो 0 मार्क्स है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई बाय चांस लग जाता है आपका तुक्का, तो फिर हो सकता है वो आपका सही हो जाए। ठीक, तो आप कुछ भी खाली ना छोड़ें, आप ट्राई करें कि उसमें लिखें कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली मैडम, एक और चीज बस मेरे दिमाग में आ रही थी कि मैंने एक चीज सुनी है कि अगर आप जो है ना जितने भी आंसर्स हैं लिसनिंग, अगर वो जो है कैप्स में लिखते हैं तो वो भी आपको जो है ना वो ग्रामेटिकल एरर्स से बचा लेते हैं, तो इज इट ट्रू और इट्स लाइक इट्स जस्ट अ मिथ? किसमें लिखते हैं आप, सॉरी? अगर आप कैप्स में लिखते हैं यानी कि अपर केस में लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में, जी, तो वो किस तरह से ग्रामेटिकल एरर से बचाएगा आपको, आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैडम फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो उसमें जो है फर्स्ट वर्ड कैपिटल कैपिटल होता है, तो अगर हम सारे ही वर्ड्स कैप्स में लिखते हैं आंसर, तो वो इस चीज में जो है ना आपको फिर कैपिटल और स्मॉल फिर मैनेज नहीं करना पड़ता, तो इज इट राइट? बिल्कुल, जी बिल्कुल। अगर आप सारे कैपिटल में लिखते हैं तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कहीं पे कि ना, अगर आप कैपिटल स्मॉल से शुरू करें, होना तो वैसे कैपिटल से ही शुरू होना चाहिए, पर फिर भी ये मुझे चीज कंफर्म करनी होगी। आपने कहीं पे पढ़ा है कि अगर हम कैपिटल वाला अगर स्मॉल से वर्ड शुरू करें तो वो रॉन्ग कंसिडर किया जाता है? मैडम टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इतनी सारी डिटेल स्टडी करी है कि आई डिडंट स्पेसिफिकली रिमेम्बर के किस पार्ट में ये मेंशन था। मैम मुझे लग रहा है वो सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है। ठीक ओके, ठीक है, थैंक यू। ये मैंने नहीं पढ़ा था कहीं पे, तो फिर ठीक है, थैंक यू। इस तरह से फिर डिस्कशन से हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें पता चलती हैं। ओके, ठीक हो गया। तो आप लोग भी शेयर कर लिया करें, कुछ भी आपके पास कोई चीज हो तो, दैट्स ग्रेट। चलें ठीक है, फिर हमारा टाइम हो गया, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।